हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करने अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही थी किचन में अपने लिए चाय बनाने, अपने लिए नहीं सबके लिए। तो चाय बनाने जा रही थी, उससे पहले मैं सोची लव ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, आपको से बात कर लेते हैं और चाय बना के पी ले। उसके बाद से आज हम लोगों को कहीं जाना भी है। आज है प्रतीक का बर्थडे। एक ना मेरे यहाँ, पहले मेरे यहाँ रेंट पे रहते थे, अब मेरे घर के पीछे घर बनवा लिए हैं, तो उन्हीं के बेटे का बर्थडे है तो वहां सबको जाना है, तो बस वहीं जाने की तैयारी है। चाय वाय पी लो, उसके बाद से चलेंगे। तो दिखाएंगे आप लोग को भी किसका बर्थडे है। बस ब्लॉग में बने रहिएगा और बस चलते हैं, जल्दी चाय बना के पी लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बर्थडे में और ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना डांस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये है कि बर्थडे में ना बच्चे ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आती है। और यहाँ पे अब बस केक कटने की तैयारी शुरू हो गई, टीका उका लग रहा है। यहाँ पे मेरी बारी आ गई है, मैं हूँ और ये ना प्रतीक है, इसका नाम प्रतीक है और ये इनकी दादी हैं जो पीछे खड़ी हैं और ये सब बच्चे हैं। ये मैं आ गई हूँ, सब लोग लगा चुके थे, मेरी बारी आ गई थी तो मैं भी यहाँ पे टीका कर रही हूँ। और ये ना गुस्से में बहुत था, और गुस्सा किस लिए था बताएं? ये ना सामने एक लड़का रहता है, मतलब इन्हीं का फ्रेंड है वो, तो उससे और इनसे हो गई थी लड़ाई। तो ये कह रहा था वो नहीं आएगा मेरे बर्थडे में, वो नहीं आएगा, वो आया था इसलिए ये गुस्सा था। यहाँ पे केक भी कट गया है, बलून फोड़ रहे हैं सब लोग। ये हैं इनके मामा जो फोड़ रहे हैं, ये तो सबसे छोटे बच्चे बने थे, इनके पापा हैं। तो सब लोग केक वो देख लो केक भी लगा दी, क्योंकि गुस्से में बहुत था ना, तो सब लोग सोच रहे थे मतलब इनको किसी तरह से खुश किया जाए। तो ये केक लगा तो और गुस्सा आ गया, फिर सर ऊपर ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे बर्थडे बॉय सबको केक खिला रहे हैं, यहाँ पे मुझे भी खिला रहे हैं और अभी भी गुस्सा इनका उतरा नहीं है, गुस्से में बहुत है। लेकिन वही ना, इनकी दादी खिलवा रही थी सबको केक खिलाओ, तो बेचारा क्या करे, अब खिला ही रहा था। और देखते हैं इसके बाद से, केक कट गया, चलते हैं नाश्ता लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि बच्चे ना बहुत शोर मचा रहे थे। तो नाश्ता मिल जाएगा ना तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। गोल वाले में रख लीजिए आप। और नाश्ता वास्ता करने के बाद अब आ गई है डांस की बारी। तो अब बच्चे खूब डांस मस्ती कर रहे हैं और ये है मेरी बेटी, आप लोग पहचान ही रहे हैं, और बाकी सब बच्चे डांस कर रहे थे। तो चलिए आप लोग डांस देखिए, एंजॉय करिए, मैं लगा देती हूँ म्यूजिक। देर तक डांस किया था, बहुत डांस किया था। तो अब आ गया है गिफ्ट खोलने की बारी और यहाँ पे ना प्रतीक को बहुत जल्दी थी गिफ्ट खोलने की, और मेरा वाला गिफ्ट खोलने की इनको और जल्दी थी कि आंटी ने क्या दिया है देखना है मुझे। तो वही यहाँ पे खोल रहा है और इतनी तगड़ी पैकिंग थी ना गिफ्ट की बेचारा ये खोल नहीं पा रहा था, फिर किसी तरह से बड़ी मुश्किल में खोल ही लिया है। और गिफ्ट देखते ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि ना इनके मनपसंद की चीज़ थी। बच्चों को क्या है ना, गेम बहुत पसंद आते हैं, तो वही उन्हीं इनके हिसाब का ही था, इनके मनपसंद का गिफ्ट था, तो बहुत खुश हो गया। फिर ये खेलने लगा और इनकी सारी गुस्सा खत्म हो गई, एकदम खुश हो गए। तो बच्चों को क्या चाहिए, यही चाहिए, गिफ्ट चाहिए होता है और उनके पसंद का चाहिए होता है, अगर मिल गया तो बहुत खुश, तो बहुत खुश हो गए। अब उसके बाद से अभी खाना वाना खिलाना है सबको, तो चलते हैं फिर हम खाना वाना खिला लेते हैं, उसके बाद से जल्दी घर भी जाना है क्योंकि बच्चों का पेपर है। तो फिर चलते हैं घर जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, अब चल रहे हैं चेंज करने और टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 10। हाँ, 10 बज रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी हो गया, हम लोग जल्दी चले आए हैं और चल रहे हैं चेंज करने। वैसे कुछ ज्यादा मैं लगाई नहीं थी, थोड़ा सा लाइनर लगाई हूँ, बस बिंदी है, थोड़ी सी क्रीम है और ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ लोग नहीं लगाए थे। और बच्चे देखिए यहाँ पे है, चलो चेंज कर लो। तो बच्चे यहाँ पड़े हैं, आयुष उधर है उस वाले कमरे में पढ़ रहा है, क्योंकि उसका पेपर है, दो दिन बाद से उसका पेपर है। तो उसे मैं बोली बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ाई कर लो और चले बच्चों को दूध दूध दे दे और चेंज कर ले। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।